नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतम झा एक बार फिर आज की मुख्य खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान कांग्रेस संकट मामले में सचिन पायलट को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथा स्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है, यानी फिलहाल स्पीकर पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। 22 जून को लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस के कहने पर लाचार अब परेशान परिजनों ने जैसे तैसे जुगाड़ कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी, लेकिन फिरौती देने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने लैब असिस्टेंट की हत्या कर दी। अब आक्रोशित परिजन पुलिस की लापरवाही के कारण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अब अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती सहित कई नेताओं ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने जहां पुलिस को गुंडों के सामने सरेंडर बताया, वहीं मायावती ने इसे जंगल राज करार दिया। अखिलेश ने भी इस मामले में पुलिस और प्रशासन की नाकामी बताई है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया था। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया। वीके सिंह ने कहा कि 9 अपराधी पकड़े जा चुके हैं, एक और अपराधी बचा हुआ है, वह भी जल्द पकड़ा जाएगा। पत्रकार विक्रम जोशी के बच्चों की शिक्षा का पूरा इंतजाम सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा, सरकारी कार्यालयों, राज्यों, राज्यपालों आदि से कहा है कि वे सार्वजनिक आयोजन से बचें और समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। इस बार बहुत कम मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्योता दिया गया है। साथ ही स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। सभी के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी गई। दिल्ली के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर PIL भेजी है। PIL में कहा गया है कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। कोरोना टेस्टिंग को लेकर देश के कई हिस्सों में सामने आ रही परेशानियों के बीच इजरायली तकनीक नया कमाल दिखा सकता है। इसका टेस्ट भारत में सफल रहा तो कोरोना है या नहीं, इसका पता महज 30 सेकंड में चल जाएगा। इजरायल के वैज्ञानिकों का बड़ा दल भारत में लाखों लोगों पर इन तकनीकों का टेस्ट करेगा, और यदि सफल रहा तो यहाँ इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जाएगा। हरियाणा के जींद में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने ही 5 बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपी की 2 बेटियां मुस्कान और निशा डूबकर मर गईं। पुलिस ने कथित रूप से 5 वर्ष में 5 बच्चों को मार डालने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया है। आशंका जताई जा रही है कि इस शख्स ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने ही 5 बच्चों की जान ले ली। वहीं आरोपी ने कहा कि गरीबी के चलते उसने ऐसा किया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। भारत के बाद अब चीन ने भी मंगल ग्रह की तरफ रुख कर लिया है। मंगल ग्रह पर छिपे राज का खुलासा करने और वहां के वातावरण का अध्ययन करने के लिए बीजिंग ने गुरुवार को रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना तियानवेन 1 रॉकेट लॉन्च किया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 6 पहियों वाला रोबोट है, जो मंगल की सतह पर उतरकर मिट्टी की जाँच करेगा। कोरोना वायरस काल में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद एक बार फिर सुपर हीरो साबित हुए। सोनू ने विदेश में फंसे 1500 मेडिकल छात्रों को घर पहुंचाने में मदद की है। एक्टर ने कर्गिस्तान में फंसे करीब 1500 छात्रों की मदद के लिए स्पाइस जेट के साथ हाथ मिलाया। इनमें से फ्लाइट को छात्रों को लेकर गुरुवार देर रात वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। इस बात की जानकारी देते हुए सोनू सूद ने ट्वीट किया, साथ ही कहा कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि कर्गिस्तान से वाराणसी तक की पहली फ्लाइट ने आज उड़ान भरी है। बिहार के गोपालगंज जिले में सारण मुख्य तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है। सारण मुख्य तटबंध टूटने से पहले बरौली की सिकटिया गांव के समीप रिंग बांध टूट गया, जिससे 40 से अधिक गाँवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया।
ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वार्तालाप टीवी पे। हमें लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।